स्टूडेंट्स टू आईआईटीएंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हमें n इज इक्वल टू 1 पर चेक करना होगा। तो पहले देखिए हमारा जो पीएन है, पीएन इज इक्वल टू होगा 1 × 2 × 3 + 2 × 3 × 4 + ... और ये आपका n × n+1 n+2 इज इक्वल टू n × n+1 n+2 n+3 / 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट n इज इक्वल टू 1। तो n इज इक्वल टू 1 जब हम पुट करेंगे तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इस pn को हम क्या कर सकते हैं, इसके हम इक्वल कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो pn है ये n टर्म्स तक का सम है। ये सीरीज जो भी है हमें उससे ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन ये इस सीरीज के n टर्म्स तक का सम है। तो पहले तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, pn इज इक्वल टू हम ले सकते हैं n × n+1 n+2 n+3 / 4। सीधे ये कर सकते हैं। अब हम n की जगह पर हम 1 रख देंगे तो ये आपका p1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 × 2 × 3 × 4। चेक कर सकते हैं आप, n इज इक्वल टू 1 आपको प्रोवाइड करना है तो 4 आपका कट जाएगा, तो ये आपका सॉल्व होकर के आ जाएगा 6। और अब आप देखेंगे कि सीरीज का अगर फर्स्ट टर्म आप देखेंगे तो वो भी आपका कितना हो रहा है, 1 × 2 × 3, दैट मींस वो भी आपका 6 ही आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इस सीरीज में n टर्म्स तक का जो सम है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फर्स्ट टर्म तक का जो सम है वो कितना आ रहा है, दोनों में 6 आ रहा है। मतलब हमने n इज इक्वल टू वन जब प्रोवाइड किया तब इसकी वैल्यू 6 आ गई, और आप सीरीज में भी पहला टर्म आप 6 ही देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां से कह सकते हैं यस इट इज ट्रू। तो अब देखिए इसको, तो pn पहले लिख लेते हैं, pn इज इक्वल टू ये आपका 1 × 2 × 3 + 2 × 3 × 4 + ... ये आपका है n × n+1 n+2, और ये आपका n × n+1 n+2 n+3 / 4। ठीक है, क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू k जब हम रखेंगे यहां पर तो ये आपका क्या होगा, 1 × 2 × 3 + 2 × 3 + 4 + ... और ये आपका k + 1 k + 2, और इसे लिखेंगे k + 1 k + 2 k + 3 / 4। तो ये जो आया है इसको हम ट्रू मान लेते हैं, तो इसको ट्रू मान ले रहे हैं तो यहां पर हम कह सकते हैं यस इट इज ट्रू। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो अब देखिए इसको, तो स्टेप 3 पर आ गए हम लोग। तो ये आपका pn इज इक्वल टू, तो हम पहले वैसा ही लिख देंगे 1 × 2 × 3 × 2 × 3 × 4 + ... n × n+1 n+2, ठीक है, इज इक्वल टू n × n+1 n+2 n+3 / 4। आप देखिए क्या करेंगे, इसमें हम प्रोवाइड करेंगे n की वैल्यू k+1। तो देखिए पुट n इज इक्वल टू k+1, तो देखिए ये आपका क्या होगा pk+1, तो ये आपका 1 × 2 × 3 + 2 × 3 / 4 + ... और देखिए हम लोग, देखिए पहले हम लोगों ने जो सम लिया था वो कहां तक लिया था, वो k टर्म्स तक का सम लिया था। तो देखिए k टर्म्स तक का सम, पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं k टर्म्स तक का सम, ये आपका n × n+1 n+2 और ये आपका n+3। ठीक है, और उसके आगे
हमारा क्या जाएगा? अरे यार ये फालतू में ज्यादा हो गया, ठीक है। अब देखिए उसके आगे हमारा क्या होगा, हमारा k प्लस वनथ टर्म इसके बाद होगा, ठीक है। ये आपका k टर्म्स तक का समय, ठीक है, k टर्म्स हैं यहां पर। अब उसके बाद जो अगला टर्म होगा वो क्या होगा, k प्लस वनथ टर्म होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो n की जो वैल्यू है उसको हम k प्लस वन से रिप्लेस कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, k प्लस वन इंटू k प्लस टू, और ये आपका k प्लस थ्री, ठीक है। तो अब आप लोगों ने इसके जस्ट पहले आप लोगों ने स्टेप टू में ये बात प्रूव की थी कि pk इज इक्वल टू आपका कितना आया था, ये आपका आया था k इंटू के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री बाय फोर, ठीक। ये आप लोग का निकल के आया था। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हम सीधे सीधे यहां पर रखेंगे। तो ये आपका क्या होगा, k इंटू के प्लस वन प्लस इंटू के प्लस टू के प्लस थ्री बाय फोर प्लस, और ये आपका क्या हो जाएगा, k प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री, ठीक है। और देखिए यहां पर हम एक बात ये लिख लेते हैं, इसकी बजाय ये हम लिख लेते हैं कि इसका जो सम है, देखिए जब हमने n टर्म्स लिए थे, जब हमने n नंबर ऑफ टर्म्स लिए थे, और या यूं आप कह सकते हैं कि k नंबर ऑफ टर्म्स लिए थे, तो हमारा ये क्या आया था, n इंटू एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, ये आया था। तो इसके अकॉर्डिंग अब ये हमारा कितना आना चाहिए, ये आपका k प्लस वन, k प्लस टू, k प्लस थ्री, k प्लस फोर अपॉन फोर, ये हमें मिलना चाहिए, ठीक है, ये हमको मिलना चाहिए। और देखिए ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा है टर्म LHS है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहां तक आ गया है, इतना पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये हम पूरे से k प्लस वन, k प्लस टू, k प्लस थ्री, ये हम लोग अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, k अपॉन फोर प्लस वन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, k प्लस वन, k प्लस टू, k प्लस थ्री, और इसको हम लिख सकते हैं k प्लस फोर अपॉन फोर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इक्वल टू RHS। तो यहां पर आपका क्या हुआ, LHS और RHS आपके एग्जैक्टली सेम मैच कर गए। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, यस एवरीथिंग इज ट्रू। इसको नोट डाउन कर लीजिए।